हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता। लाटविया स्टडी वीज़ा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपसे शेयर करूंगा आज। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सितंबर 2023 इंटेक के लिए अभी जो है एप्लीकेशंस लग रही हैं, तो हमारे पास रेगुलरली बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंक्वायरी करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स तक जो है करेक्ट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाए। तो अभी प्रीवियस जो वीक में हमारे पास जो इंक्वायरीज आई हैं, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, तो वही स्टूडेंट्स के डाउट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको आंसर दूंगा, क्योंकि हो सकता है आपके भी माइंड में वो क्वेश्चंस हों। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एम्बेसी इंटरव्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बताई है कि मास्टर्स में जिस स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है उनके एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आ रहे हैं। हमारी अभी तक जितनी भी एप्लीकेशंस मास्टर्स के लिए अप्लाई हुई हैं उनमें से किसी का भी जो है इंटरव्यू नहीं आया है। मैक्सिमम के वीज़ाज आ चुके हैं, कुछ लोगों की अंडर प्रोसेस है, उनको कोई भी कॉल या फिर मेल जो है अभी तक नहीं आई है। बट इसके बावजूद भी कुछ ऐसी इंक्वायरीज हमारे पास आई प्रीवियस कुछ डेज में, जिन्होंने मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई किया था और उनको जो है इंटरव्यू के लिए एम्बेसी ने कॉल किया, उनको पर्टिकुलर एक डेट दी गई कि आप इस डेट को आइए और आपका जो है इंटरव्यू जो है कंडक्ट किया गया है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, अगर आपने मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई किया है और आपको अगर इंटरव्यू के लिए एम्बेसी बुला रही है, तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न, आपकी एप्लीकेशन में कोई ना कोई डाउट जो है वीज़ा ऑफिसर को है, इस बेसिस पे उन्होंने जो है आपको इंटरव्यू पे बुलाया है। कोई चीज़ आपकी एप्लीकेशन में मिसिंग है या फिर आपने इंफॉर्मेशन गलत भर दी है, कोई डॉक्यूमेंट में जो है वीज़ा ऑफिसर को डाउट है, इसलिए उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अदरवाइज़ अगर आपने मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई किया हुआ है और आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल कम्प्लीट हैं और बिल्कुल सही हैं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, तो आपका इंटरव्यू नहीं आएगा। या फिर सेकेंड रीज़न ये हो सकता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है आपका इसलिए भी इंटरव्यू आया हो। तो देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही जो है बात करूँगा। अभी जितनी भी एप्लीकेशन हमने लगाई, अब जो प्रीवियस इनटेक था फेब 2023, उसमें भी मास्टर्स प्रोग्राम में किसी का इंटरव्यू नहीं आया था और सितंबर में भी है जो नहीं आ रहा है। बाकी जिनका आ रहा है उनके मैं आपको ऑलरेडी रीज़न बता चुका हूँ किस रीज़न की वजह से इंटरव्यू आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि हमें बैंक स्टेटमेंट अपनी लगानी है या फिर अपने स्पॉन्सर की लगानी है। तो देखिए, बैंक स्टेटमेंट आपको अपने स्पॉन्सर की लगानी है। आपके अगर फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं या मदर कर रहे हैं, या इसके अलावा जो भी आपका ब्रदर है या कोई रिलेटिव है, जो भी आपका मेन स्पॉन्सर है, जिसका आप स्पॉन्सर एफिडेविट साथ में लगा रहे हैं, जिसके फिनेंशियल प्रूफ्स आप साथ में लगा रहे हैं, उसी की बैंक स्टेटमेंट है आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में लगानी है। जो कि मैं खुद प्रेफर करता हूँ, आप स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट लगाएं। अगर नहीं लगाई है तो वीज़ा ऑफिसर आपसे मांग लेगा स्पॉन्सर की जो बैंक स्टेटमेंट है। और बैंक स्टेटमेंट जो है वो मिनिमम 3 मंथ्स की आपको लगानी है। अगर आप अपने अकाउंट में पैसे दिखा रहे हैं, अपने स्टूडेंट खुद अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट लगा रहा है, प्रॉब्लम उसमें भी कोई नहीं है। बट जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपके प्रेफर करता है कि आप अपने स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट लगाएं। चेकलिस्ट में भी उन्होंने जो है स्पॉन्सर की जो है बैंक स्टेटमेंट देने के लिए आपको कहा हुआ है। अब थर्ड जो इंक्वायरी है, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई नेम मिस्टेक्स हैं, मान लीजिए उनके पेरेंट्स के जो नेम के स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हैं, या कुछ भी अगर ऐसी कोई गलती है आपके डॉक्यूमेंट में या आपके नेम में कोई मिस्टेक है, तो आप साथ में एफिडेविट जरूर लगाएं। अब फोर्थ जो इंक्वायरी है वो है फंड्स को लेकर के, कितने फंड्स हैं जो हमें शो करने हैं वीज़ा के टाइम पे। तो देखिए, फंड्स की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो करीबन 6.5-7 लाख रुपए है जो आपको लगाने होते हैं एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। बट अगर आप अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर कभी भी फ़ंड नहीं लगाने चाहिए। हमेशा 2.5 या 3 लाख रुपए जो है एक्स्ट्रा करके आपको अपने फ़ंड लगाने चाहिए। तो कम से कम फ़ंड है वो 9 से 10 लाख रुपए आप अपने जो है फंड्स आप शो करें वीज़ा के टाइम पे, जिससे कि आपके वीज़ा के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। एंड फिफ्थ डाउट उन स्टूडेंट्स का है जिनके जो स्पॉन्सर हैं वो एग्रीकल्चर में हैं। अब कुछ इंक्वायरीज आई हैं कि अगर हमारे फादर जो हैं वो फार्मर हैं, तो हम क्या प्रूफ लगाएं, उनके जो ऑक्यूपेशनल प्रूफ है जो एम्बेसी मांग रही है, तो अपनी एप्लीकेशन में हम लोग क्या लगाएं। तो देखिए, अगर आपके जो स्पॉन्सर हैं वो फार्मर हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसके बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं। जैसे कि मेन जो प्रूफ होते हैं वो होते हैं कि आपके पास जो लैंड है, जहाँ पे आप
एग्रीकल्चर आप करते हो तो लैंड के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे फर्दे होती हैं लैंड की, तो रजिस्ट्री होती है जैसे लैंड की, तो वो ट्रांसलेट करा के आप, अगर वो इंग्लिश में नहीं है, नोटरी से उसको ट्रांसलेट करा करके आप अपनी एप्लीकेशन में लगाएं। उसके बाद जे फॉर्म्स होते हैं जो आप अपनी फसल है जो आप सेल आउट करते हैं एट द टाइम ऑफ सीज़न, तो जो आपको जे फॉर्म मिलते हैं तो वो जे फॉर्म आप साथ में लगाएं। इसके अलावा तहसील से अपना जो है इनकम सर्टिफिकेट बना करके वो साथ में लगाएं। फिर उसके अलावा ITRs आप लगाएं अपने जो है फादर के इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो आप लगाएं, नील वाली जो भी आपकी इनकम है उसमें आप शो करें और वो ITR आप लगाएं। और अगर आप लोगों ने लैंड जो है वो रेंट पे ली हुई है, लीज़ पे आपने अगर लैंड ली हुई है और उसके ऊपर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो लीज़ एग्रीमेंट आप लगाएं साथ में, जिनसे भी आपने लैंड ली हुई है प्रॉपर लीज़ एग्रीमेंट आपने बनवाया होगा, अगर नहीं बनवाया तो आप बनवाएं नोटरी से, और उसमें प्रॉपर जो है जो ज़मीन के नंबर होते हैं, जो लैंड होती है जो भी नंबर्स होते हैं उसके, वो प्रॉपर मेंशन होने चाहिए। तो ये सारे प्रूफ्स हैं, अगर आपके पेरेंट्स एग्रीकल्चर में है, फार्मर हैं, तो ये सारे प्रूफ्स आप लगा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। फिर अब बहुत सारी इंक्वायरीज़ ऐसी भी आ रही हैं जिनकी ऑलरेडी एप्लीकेशन लग चुकी है और अपनी एप्लीकेशन में स्टूडेंट्स ने बहुत सारी गलतियां जो हैं वो की हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट से कोशिश करते हैं जो इंक्वायरीज़ हमारे पास आती हैं तो असेसमेंट हम कर लेते हैं कि जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट क्या कुछ लगाया स्टूडेंट ने, और स्टूडेंट भी हमसे शेयर करते हैं कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से लगाए हैं। तो हमने एक चीज़ देखी है, बहुत सारी गलतियां हैं जो हैं वो स्टूडेंट कर रहे हैं। अगर आपने अभी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया है और आपने अपनी एप्लीकेशन जो है अप्लाई करनी है तो आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। देखिए, लाटविया का जो वीज़ा है वो टोटली डिपेंड है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। जैसी एप्लीकेशन आपकी होगी वैसा ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जो असेसमेंट अभी हमने की प्रीवियस वन वीक में, जो डाउट्स हमारे पास स्टूडेंट्स के आए जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो हमने एक चीज़ देखी कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में गलती कर रखी है, फिर उसके बाद जो कवर लेटर लगाया है कवर लेटर में बहुत सारी गलतियां हैं, एक पेज का कवर लेटर लगाया है और उसमें जो कंप्लीट जो है डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए वो कुछ भी मेंशन नहीं है। एप्लीकेशन में छोटी 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 जगह गलती उन्होंने की हुई है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट होता है जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप VFS को कॉल करके पूछ सकते हैं, वहां से अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंटेशन में मैक्सिमम जो गलतियां कर रखी हैं स्टूडेंट ने, तो एप्लीकेशन में बहुत सारी ऐसी गलतियां हम लोगों ने देखी। मैं एक चीज़ बता देता हूं, उसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने खुद से अपना वीज़ा जो है अप्लाई किया है, खुद से अपना प्रोसेस किया है। अब देखिए स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, लाटविया स्टूडेंट वीज़ा की जो चेकलिस्ट है वो आपको ऑनलाइन मिल जाती है, आप उसमें देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे गलती होती है। तो जैसा कि आपने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी करे और आपने वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर दी, लेकिन आपने जो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स आपने जो रेडी किए हैं क्या वो डॉक्यूमेंट्स वीज़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको कौन बताएगा, ये आपको एक प्रोफेशनल बताएगा जिसने बहुत सारे वीज़ाज ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो ये कॉमन एक मिस्टेक है, ये स्टूडेंट से हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स को वीज़ा का एक्सपीरियंस नहीं होता। अब देखिए चेकलिस्ट में तो जस्ट एक ये बताया हुआ है कि आपको ये डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वीज़ा के लिए आपको वो सबमिट करने हैं, और वो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका पासपोर्ट है, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक्सेप्टेंस लेटर है यूनिवर्सिटी से, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिर उसके बाद आपके स्पॉन्सर के जो है ऑक्यूपेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस सर्टिफिकेट है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है, एक एयर टिकट है, फिर हेलो वेरीफाई की रिसीट है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये एक चेकलिस्ट में होते हैं डॉक्यूमेंट्स, आपने देखे ये डॉक्यूमेंट्स हैं मैं ये सबमिट कर देता हूँ, बट क्या वो डॉक्यूमेंट्स इतने इफेक्टिव हैं आपको वीज़ा दिलवाएंगे जो आपने रेडी करे। क्या आपने असेसमेंट की, अपनी असेसमेंट करवाई उन डॉक्यूमेंट्स की कि जो आपने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट रेडी करे हैं, जो आपने फंड्स रेडी करे हैं, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आपने रेडी की है, अपने ऑक्यूपेशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने रेडी किए हैं अपने स्पॉन्सर के, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है क्या वो सही है या गलत है, जो कवर लेटर आपने रेडी किया है क्या वो सही है, सफिशियंट है, स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट सफिशियंट हैं, क्या एक स्पॉन्सर सफिशियंट है, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। अभी दो तीन दिन पहले एक केस आया हमारे पास,
जिसका अभी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है स्टूडेंट का, और उसने हमारी ऐड देखी होगी, इंस्टा पे देखी थी उन्होंने ऐड, और वहाँ से उन्होंने इंक्वायरी ली, और हरियाणा का ही स्टूडेंट है, अभी हमसे आके मिला वो एक दो दिन पहले। तो उसकी हमने जब ओवरऑल असेसमेंट करी, उसकी फ़ाइल हमने देखी, उसने सारी अपने जो है पीडीएफ रखी हुई थी एक अपने, उसने अपने मोबाइल के अंदर जो जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने लगाए हैं, तो सारे जब मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसमें मैंने देखा उसके फादर की इनकम 3.5 लाख के आसपास उसके फादर की इनकम थी, तो उसने उसी के बेसिस पे अप्लाई कर दिया। और भी बाकी उसकी बहुत सारी मिस्टेक्स थी एप्लीकेशन में, बट मेजर मिस्टेक मेरे को ये लगी, अगर आपके फादर की 3.5 लाख इनकम है तो एक स्पॉन्सर और ऐड कर लो, अपनी मदर की ITRs भरवा लो, आप अपने ब्रदर की भरवा लो, अगर आपका कोई भाई है, आपका बड़ा आपका एल्डर ब्रदर है, सिस्टर है, तो उनकी आप ITR भरवा के लगाइए, सफिशियंट करके दिखाइए ना इनकम। अगर आप 3 लाख रुपए के लगभग आप इनकम दिखा रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा दे देगा, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि आपके स्पॉन्सर को आपकी एजुकेशन भी स्पॉन्सर करनी है जो आप लाटविया में स्टडी करोगे, और अपना भी इंडिया में जो है अपना लाइफस्टाइल जो है वो चलाना है, अपने खर्चे भी हैं वो करने हैं, तो ये दोनों चीज़ें 3 लाख में मैनेज नहीं होगी। तो ये सिचुएशन मैंने देखी, तो मैंने उसको उसकी एप्लीकेशन असेसमेंट की, उसका इंटरव्यू, और उसके इंटरव्यू में भी जो है वीज़ा ऑफिसर ने यही पूछा, डू यू थिंक दैट योर फादर्स इनकम इज़ सफिशियंट टू सपोर्ट योर फर्दर एजुकेशन इन लाटविया। सो उसने बोला येस आई थिंक दैट इट इज़ सफिशियंट, तो उसने बोला कि प्रूव मी, ठीक है कि आप मुझे प्रूव करो कि आपके फादर की जो इनकम है वो कैसे सफिशियंट है, इट इज़ जस्ट 2.75 लाख रुपीज़, सो इस इनकम में वो आपकी फर्दर एजुकेशन वो सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम, ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है, आपने डॉक्यूमेंट्स तो रेडी कर लिए, खुद से फाइल रेडी कर ली, सब कुछ कर लिया, इवन मैंने कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी देख रहा हूँ मैं, अभी कुछ इंक्वायरीज आ रही हैं जिन्होंने एजेंट्स के थ्रू भी अप्लाई किया हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट ही गलती कर रहे हैं, एजेंट भी गलतियाँ कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग ब्लंडर्स इन देयर एप्लीकेशन। आई एम वेरी सरप्राइज्ड जब मैंने एप्लीकेशंस देखी जो कि एजेंट्स के थ्रू रेडी हुई हुई हैं, और उसमें जो है बहुत सारे ब्लंडर्स कर रखे हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स एजेंट्स ने कर रखे हैं, दैट इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी कि बींग अ प्रोफेशनल आप जो है स्टूडेंट की एप्लीकेशन में ऐसी गलतियाँ कर सकते हैं। सो बहुत ही डेलिकेट मैटर होता है वीज़ा एप्लीकेशन का, और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी एप्लीकेशन है, वही आपको वीज़ा दिलाएगी, और सिर्फ चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी करने को सही वीज़ा एप्लीकेशन नहीं कहते। सही वीज़ा एप्लीकेशन वही है, करेक्ट वीज़ा एप्लीकेशन वही है जो वीज़ा ऑफिसर की जो मेंटल नीड है उसको सेटिस्फाई करे, वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करे, और वो सेटिस्फाई होकर के आपको वीज़ा ग्रांट करे। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी स्टूडेंट से, जो स्टूडेंट अभी लाटविया के स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अभी करने वाले हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट है आपकी एप्लीकेशन में, आपको कुछ भी लगता है कि आप कि ये चीज़ सफिशियंट नहीं है, तो आप किसी प्रोफेशनल की आप हेल्प ज़रूर लें, आप खुद से ये रिस्क ना लें, इसमें आपका बहुत सारा टाइम और बहुत सारे पैसे जो है वो इन्वॉल्व है, ट्यूशन फीस आपने पे कर रखी है, इतना टाइम आपने लगाया, इतना टाइम आपने वेट किया, फिर अल्टीमेटली वीज़ा नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत ही जो है वो दुख की बात होगी एक स्टूडेंट के लिए। सो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को आप बहुत ही कॉन्शियसली जो है रेडी कीजिए, यही रीज़न है मास्टर्स वालों के जो है इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। तो अदरवाइज़ जो है, अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही है, आपने बैचलर में अप्लाई किया है, चाहे मास्टर में अप्लाई किया है, किसी प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है, आपका वीज़ा आसानी से आएगा, क्योंकि सक्सेस रेट इस टाइम 95-100% है लाटविया का। कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं कर रहे वो लोग, पिछले इनटेक में भी हमारा एक भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, उससे प्रीवियस इनटेक में भी कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, और अब इस इनटेक में भी जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं ऑलमोस्ट सभी का वीज़ा आया है, और जो एप्लीकेशंस अभी लगनी है विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो वीज़ाज भी डेफिनेटली आएंगे। सो अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी लाटविया स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी आपको सपोर्ट करके। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।